ये देखिए फटे हुए दूध कलाकंद बन के तैयार हो गया। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल दानेदार बना हुआ है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, देखिए बनी हुई बहुत अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज ये जो दूध फट गया है हमारे पास, इससे हम बहुत अच्छी मिठाई तैयार करेंगे। इससे बहुत से जो दूध फट जाता है उससे भी हम काफ़ी मिठाई है, पनीर वगैरह तैयार कर सकते हैं, तो हम इससे मिठाई तैयार करेंगे। तो दूध देखिए थोड़ा फट चुका है, बट अभी ये अलग इसका छेना नहीं हुआ है, तो इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसे विनेगर से या नींबू के, एक कप में हमने 2 चम्मच विनेगर लिया है और 1/2 कप हमने पानी लिया है, तो इतना हमने बना लिया इसको हम दूध फाड़ने के लिए। ये हम जो दूध वो विनेगर है वाइट वाला यूज़ कर रहे हैं, आप नींबू भी ले सकती हैं। होने लगा तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो हमने ये विनेगर और पानी मिक्स किया इसको डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। तो देखिए दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा। दूध तो वैसे ही फटा है, जो इसका छेना और है अलग हो जाएगा। और देखिए पानी, ये देखिए अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पानी अलग हो गया, छेना अलग हो गया, तो इसको हम छान लेंगे। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए इसमें हम ये छेना जो है इसको छान लेंगे, पानी का अलग कर हो जाएगा। तो ये पूरा 2 किलो दूध था, देखिए थोड़ा बहुत जो भगोने में नीचे लग गया था इसको हम अलग निकाल देंगे। ये नीचे जल जाता भगोने में जो लग करके तली में, तो वो तो इससे हम निकाल देंगे अलग। पनीर है, इस पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें जो हमने विनेगर से इसको फाड़ा है तो ये इसमें खट्टापन ना रह जाए। और जो ये इसका ये पानी निकला है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा गूंथने में या सब्जी जो बनाएंगे तो उसकी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किसी कपड़े में बांध के थोड़ा सा रख देंगे, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे हमें हार्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसका पानी हम नहीं निकालेंगे। कपड़े हमने कर लिए, इसको हम हल्का सा, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पानी इसका हम निकालेंगे। इसको हम रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। पहले कढ़ाई ले ली, तो इसमें हम 1 ग्लास के करीब दूध डाल देंगे, ये फुल क्रीम दूध है। इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी हम करीब 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं, आपको जितना भी मीठा कम ज़्यादा खाना है आप उस हिसाब से ले सकती हैं। और इसमें हम 2 चम्मच के करीब हम ये मिल्क पाउडर ले रहे हैं, तो इससे थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा है, एक पर नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। तो ये मिल्क पाउडर है 2 चम्मच, इसको हम डालेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लम्स ना पड़ने पाए। इससे दूध थोड़ा अच्छे से थिक भी हो जाएगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए तो इसमें अच्छे से मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है, अभी इसको हम थोड़ा और पकाएंगे। पनीर हमने छेना निकाल रखा था तो इसे हम इसमें गिरा लेंगे। देखिए बहुत इससे हमने टाइट नहीं किया है, काफ़ी सॉफ्ट है, इसको हम थोड़ा हाथ से अच्छे से चिकना कर लेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं खट्टे डाल देंगे डायरेक्ट, हम थोड़ा सा हाथ से चिकना कर लेंगे। आप चाहो मैसर से भी कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट बना हुआ है, इसमें थोड़ा मिक्स कर देंगे। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे।
थोड़ा फ्लेवर के लिए, अच्छा इससे स्वाद भी आता है। देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो इसमें जो हमने ये छेना तैयार किया है इसको डाल के और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हम डाल देंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा छेना हमने मिक्स कर दिया, इसको हम अच्छे से अब थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो इसे अभी हम 5 मिनट ले और पकाएंगे, तो लगातार हम चला रहे हैं। ताकि जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं या कलाकंद उस टाइप में थोड़ा हो जाए। आप अगर लड्डू बनाना है तो इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ेगा। तो आप इसके लड्डू भी तैयार कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें कोई फूड कलर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। पर कलाकंद जो होता है वो सफ़ेद ही होता है, तो इसलिए हम नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर और कोई इसमें लड्डू बनाना है या और कुछ भी, तो आप कलर भी ऐड कर सकती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बन चुका, तब इसको हम किसी प्लेट में जमा देंगे, किसी ट्रे में। बहुत ज़्यादा अब इससे हम नहीं पकाएंगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो इसे हम जमाएंगे, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर दे रहे हैं। एक हमने ये बाउल ले लिया है, तो इसमें हम ये एल्युमिनियम फॉयल है तो लगा देंगे। इससे क्या आसानी से निकल आएगी मिठाई। इस पर हमने इसको घी से ग्रीस कर दिया था हल्का सा। वैसे ना भी करिए तो कोई वो नहीं, मगर हमने कर दिया ताकि थोड़ा अच्छे से निकल आए। देखिए तो इसमें अब हम जो हमने बनाया है इसमें डाल देंगे। इसमें डाल दिया, अब इसको हम हल्का हल्का सा बराबर कर देंगे सेट। देखिए अच्छे से इसमें सेट हो भी गई है। देखिए कलाकंद जो होता है दानेदार बनता है, थोड़ा सा हल्का सा गीला ही टाइप में रहता है। ये देखिए तो इसको हमने सेट कर दिया अच्छे से। इस पर हम थोड़े से जो हमने ये पिस्ता बारीक कट किए हैं तो इनको डाल देंगे हल्के हल्के से, ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एक बार इसी से हम फिर से सेट कर देंगे। इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए, तो एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके पीस कट करेंगे। ये ठंडी हो गई तो इसको हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल आएगा। इसके हम पीस कट कर लेंगे। काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, देखिए बनी हुई बहुत अच्छी है। ये देखिए फटे हुए दूध कलाकंद बन के तैयार हो गया। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल दानेदार बना हुआ है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें।